मेरे पास 5-6 घंटे होते तो भी कम पड़ जाते। क्योंकि सबने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति की है, तो मैं उन विद्यार्थियों को, उनके टीचर्स को, उनके स्कूल को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप जाने से पहले उस एग्जीबिशन को जरूर देखें और उसमें क्या है उसको समझने की कोशिश करें और अपने स्कूल में वापिस जाने के बाद अपने जो अनुभव है वो जरूर और विद्यार्थियों के साथ शेयर करेंगे। इधर से आवाज आई, उधर से नहीं आई, उधर से नहीं आई, करेंगे। मेरी आवाज सुनाई देती है ना? अच्छा, आपको पता है आप किस स्थान पर आए हैं? आप उस स्थान पर आए हैं जहां भारत मंडपों के प्रारंभ में दुनिया के सभी बड़े बड़े दिग्गज नेता 2 दिन बैठकर के यहां पर विश्व के भविष्य की चर्चा की थी। आज आप उस जगह पे और आप भारत के भविष्य की चर्चा आज अपनी परीक्षा की चिंताओं के साथ साथ करने वाले हैं और एक प्रकार से परीक्षा पे चर्चा एक कार्यक्रम मेरी भी परीक्षा होता है और आप में से बहुत से लोग हैं जो हो सकता है कि मेरी परीक्षा लेना चाहते होंगे। कुछ लोग होंगे जिनको लगता होगा कि जरूर कुछ बातें ऐसी पूछी जाए जिसका समाधान खुद को भी मिले औरों को भी मिले। हो सकता है हम सब सवालों को तो एड्रेस न कर पाए लेकिन ज्यादातर उन सवालों के कारण बहुत से साथियों को समाधान हो जाएगा। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं, ज्यादा समय न गवाते हुए वहां से शुरू करना। प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरक वचनों के लिए हार्दिक आभार। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा।